और अब बात करेंगे कुदरत के प्रहार की। हिमाचल प्रदेश में अगस्त में भी जुलाई जैसी भयावह तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। जुलाई में जिस तरह आसमानी आफत का कहर देखने को मिला था, बादलों का वैसा ही रौद्र रूप फिर देखने को मिल रहा है। शिमला में आज सुबह बादल बड़ी तबाही लेकर आए। शिव बावड़ी मंदिर पर लैंडस्लाइड हो गया। जिस वक्त हादसा हुआ, कई लोग सोमवार के चलते मंदिर के अंदर मौजूद थे। अब तक मलबे से 5 शव बरामद कर लिए गए हैं। कई और लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू खुद घटनास्थल पर पहुंचे हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन का उन्होंने जायजा लिया है। तो ये हिमाचल की तस्वीरें जिस तरीके से आपने जुलाई में देखी थी, कुछ ऐसी ही तस्वीरें अगस्त में भी देखने को मिल रही हैं। एक बार फिर से कुदरत ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। कुदरत का कहर ऐसा है कि मंदिर में पूजा करने गए लोग भी इसकी चपेट में आ गए हैं। 5 लोगों के शव अभी तक निकाल लिए गए हैं। मलबा अभी फैला हुआ है। रेस्क्यू के लिए टीम लगाई गई है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम लगातार मलबे के अंदर फंसी हुई जिंदगियों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी मौके पर पहुंच गए हैं और खुद रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा ले रहे हैं। लेकिन तबाही बड़ी है, मंजर डराने वाला है। कुदरत का कहर कैसे जान पर आफत बनकर टूट रहा है, वो ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं। मलबा है चारों तरफ और इस मलबे के नीचे फंसी हुई जिंदगी जो जद्दोजहद कर रही है बाहर आने के लिए, निकालने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। जल्द से जल्द लोगों को इस मलबे से बाहर निकाला जाए, ये कोशिश की जा रही है तमाम प्रशासन की तरफ से, शासन प्रशासन की तरफ से, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की तरफ से। मुख्यमंत्री भी घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। घटनास्थल पर पहुंचकर हालातों का जायजा मुख्यमंत्री ने लिया है और रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरीके से चल रहा है इसका भी जायजा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लिया है। शिमला में ये भयावह हादसा हुआ है जहां शिव मंदिर में पूजा करने के लिए गए लोग भी कुदरत के कहर के सामने बेबस नजर आए। आज सावन का सोमवार है, बड़ी संख्या में लोग शिव मंदिर पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में जबरदस्त बारिश पिछले कई घंटों से लगातार हो रही है और इस बारिश का कहर अब एक बार फिर से लोगों पर टूटना शुरू हो गया है। तो जहां अभी आप मलबा ही मलबा देख रहे हैं, वो मलबे की तस्वीरें कुदरत के कहर के बाद सामने आ रही हैं। लेकिन शिमला का यही शिव बावड़ी मंदिर कितना भव्य था, उसकी तस्वीर मैं आपके सामने रख रही हूं। मंदिर पहाड़ी के किनारे बना था। आज सोमवार के चलते भारी संख्या में श्रद्धालु शिव के दर्शन करने के लिए पहुंचे थे, तभी अचानक पहाड़ का एक हिस्सा मंदिर पर टूट कर गिर गया। चीख पुकार मच गई और पूरा का पूरा मंदिर जमींदोज हो गया। तो ये दो तस्वीरें बता रही हैं कि कुदरत कैसे हिमाचल प्रदेश में कहर बरपा रही है। शिव बावड़ी मंदिर जो भव्य था, दिव्य था, पहाड़ी के नीचे बसा हुआ था, यहाँ पर सुबह जब मंदिर में पूजा करने के लिए श्रद्धालु पहुंचे, पहाड़ी से दरकता हुआ एक हिस्सा इस मंदिर पर आ गिरा और मंदिर की जगह अब सिर्फ और सिर्फ आपको मलबा ही मलबा नजर आ रहा होगा। तो कुदरत जब अपने रौद्र रूप पर आती है, कुदरत जब अपना कहर बरपाती है, तो किस तरीके की तस्वीरें होती हैं वो इनको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के शिव मंदिर में 5 शव अभी तक बरामद कर लिए गए हैं। मलबे को हटाया जा रहा है, कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द मलबे को साफ किया जाए ताकि अगर नीचे कोई लोग फंसे हुए हैं तो उन्हें सकुशल बाहर निकाल लिया जाए। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से आसमानी आफत ने कहर मचा दिया है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और लैंडस्लाइड ने जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। पिछले 2 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है, लैंडस्लाइड हो रही है, जिसकी वजह से 21 लोगों की जान अभी तक जा चुकी है। हिमाचल में 7 से ज्यादा जगहों पर बादल फटने की सूचना है, जिसके चलते पूरा स्टेट सैलाब की चपेट में आ गया है। मंडी, सिरमौर, शिमला, सोलन, हमीरपुर समेत कई जिले मानसून अटैक से सिहर गए हैं। हिमाचल प्रदेश में कुदरत के रौद्र रूप से अब तक पहाड़ों पर जुलाई जैसी आसमानी आफत अगस्त में भी देखने को मिल रही है। मानसून रिटर्न्स एक बार देखने को मिल रहा है फिर से हिमाचल प्रदेश में। बादलों ने तबाही का एक बार फिर से रिवर्स गियर लगा दिया है और तबाही ऐसी कि लोग परेशान हैं। 21 लोगों की जान अभी तक जा चुकी है। लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर हो गए हैं। नदी नाले उफान पर हैं,
पहाड़ों से लगातार मलबा नीचे आ रहा है, सड़कें जाम हो चुकी हैं, यानी कुदरती कहर ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं, जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। लोगों को उम्मीद है कि जल्द से जल्द राहत उन तक पहुंचे, जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाए और शासन प्रशासन इस काम में लगा भी हुआ है। हिमाचल प्रदेश में पहाड़ों से दरक रहा जो मलबा है, एक तरफ वो मुसीबत बढ़ा रहा है, आसमान से आफती बारिश बरस रही है जिसकी वजह से लोग परेशान हो रहे हैं और बारिश ने पूरी तरीके से जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। इस बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू क्या कह रहे हैं, ये आपको सुनवाते हैं। अपने जल को चढ़ाने आते हैं, मुझे लगता है कि 20-22 जिंदगियां और दबी होने की संभावना है। प्रयास ये है कि हमने आर्मी को बुला लिया है, SDRF को बुला लिया है, NDRF को बुला लिया है और कुछ जीवन बच सके। इस बार के पिछले 48 घंटे और पिछली 24 घंटे की बारिश ने जान मान को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। पिछली बार की आपदा में हमारे संपत्ति और संपदा को नुकसान हुआ था, इस बार की आपदा में काफ़ी जिंदगियां हमको छोड़कर चली गई है। शाम तक पूरा आंकड़ा हम बता सकते हैं। खतरा अभी भी बना हुआ है पूरे राज्य में, किस तरह से हालात? कल हमारे आज़ादी का दिवस है, मैंने सभी प्रशासनिक अधिकारियों को कहा है कि सबसे पहले इस आपदा और इस कहर से निपटे और इस दृष्टि से मैंने अपना जो कार्यक्रम है, जो मंडी में मीटिंग थी, वो भी कैंसिल कर दी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।